अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। मैं अपना ब्रीफ सा मुख्तसर तारफ़ करवाता हूँ। कुछ व्यूवर्स ने पूछा कि आप अपने बारे में बताएं। मेरा तअल्लुक एक मुतवस्सित तबके से है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत हम्बल है। हमारी फैमिली में मेरे पेरेंट्स, हम सब लोग सेल्फ मेड हैं। हमने कोशिश की कि हम मेहनत करके, कोशिश करके अपने करेक्टर को मेंटेन करते हुए, करेक्टर को बिल्ड करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। मेरी इब्तदाई तालीम मैंने मानसरा से हासिल की। मेरा ताल्लुक भी मानसरा से। डी काम के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया इंग्लिश लिटरेचर में, और साथ साथ में जॉब भी कर रहा था। आई स्टार्टेड माई करियर इन अप्रैल 1987। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ज्वाइन किया। इन द मीन टाइम मैंने कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दिए। फिर मैं अपनी एजुकेशन परसू करना चाह रहा था और मैंने MBA किया पेशावर यूनिवर्सिटी से 2000 में। मैंने MS किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और PhD भी फिर इसी सब्जेक्ट में की। मैंने बैंक्स में काम किया, फिर टेलीकॉम सेक्टर में आ गया। पाकिस्तान में काम किया, फिर मैंने 4 साल बांग्लादेश में एक टेलीकॉम कंपनी के साथ काम किया। 2010 में मैं वापस आया पाकिस्तान और मैंने UNDP पाकिस्तान को ज्वाइन किया एज अ चीफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वहाँ 5-5.5 साल काम किया और 2015 में मैं मलेशिया मूव कर गया। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैंने कोशिश की कि आई शुड डू समथिंग डिफरेंट ऑन माय ओन, कि मैं अपने तौर पे अपना काम स्टार्ट करूं। मैंने कंसल्टिंग स्टार्ट की, एक IT कंपनी सेटअप की मलेशिया में। काफ़ी अरसे तक कुछ रिटेल बिजनेसेस भी करते रहे। इस वक्त मैं कंसल्टिंग करता हूं, UN के साथ भी काम कर रहा हूं। बाकी मैं कंसल्टिंग करता हूं मुख्तलिफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। कम्युनिटी वर्क कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मेरा ये गोल है, मेरा ये एम है और ऑब्जेक्टिव है कि मैं जो भी मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा नॉलेज है, उसको मैं शेयर करूँ यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ, अपना तजर्बा, अपना इलम शेयर करूँ। और उसके लिए फिर मैंने 1 साल पहले YouTube चैनल स्टार्ट किया, Facebook पे काम करना शुरू किया। अभी मैं TikTok पे काम कर रहा हूँ, Instagram पे, Facebook पे, LinkedIn पे, YouTube पे। वो मेरी कोशिश है कि जो भी इलम मेरे पास है, मैं सबके साथ शेयर करूँ। मेरी इस वक्त जो 2-fold स्ट्रेटजी है, एक तो अपने आप को डेवलप करना और अपने नॉलेज को और इलम को लोगों के साथ, यंग बच्चों के साथ शेयर करना, और दूसरा ऐसा काम करना कि जिससे लोगों की ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आए। तो ये 2-fold स्ट्रेटजी चल रही है। जहाँ तक रिस्क का तलक है, वो इंसान मेहनत करता है, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से आपको वो रिस्क दे रहे होते हैं। उसके लिए मैं अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा होता हूँ। कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हैं, उन पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, वहाँ पर काम किया जाए। तो ये सारी स्ट्रगल, सारी एफर्ट साथ साथ चल रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं बिज़ी रहता हूँ, कंस्ट्रक्टिवली, वेरी पॉजिटिवली, और मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहा होता हूँ। तो मेरा टाइम बहुत फिक्स होता है, आवर्स फिक्स होते हैं, और ज़्यादातर मैं बिज़ी रहता हूँ। तो ये मेरा एक मुख्तसर सा तारफ़ है जो मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन। अपना बहुत बहुत ख्याल करें, और एक छोटा सा मैसेज कि मेहनत करते रहें अच्छी नीयत के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, और कोशिश करें कि अच्छी स्किल सीखें, अच्छा इलम हासिल करें, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आप देखिएगा, अगर आप दूसरों के लिए आसानियां कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानियाँ होंगी। अपना ख्याल करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।